हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के इस वीडियो में हम 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के उन चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे जो कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो हमने टॉपिक का चुनाव किया है वह है बिहार की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव। आपने देखा होगा कि 65वीं बीपीएससी में कोविड-19 से संबंधित दो प्रश्न पूछे गए थे और चूंकि कोविड-19 की समस्या अभी भी बनी हुई है, इसलिए पूरी संभावना है कि इस बार की भी मुख्य परीक्षा में कोविड-19 से संबंधित एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब आप अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न का उत्तर लिखते हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती आपके पास आंकड़ों को लेकर होती है, और खासकर जब आपसे बिहार का टेल जोड़कर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी कि आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभावों की चर्चा करें, कोविड-19 से उबरने के लिए ठोस रणनीति का भी उल्लेख करें, साथ ही साथ में बिहार के विशेष संदर्भ में कुछ आंकड़ों का भी समावेश करें। अब जब बिहार के विशेष संदर्भ में आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया गया तो उसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण से ऑथेंटिक डेटा और कुछ नहीं हो सकता है। इस बार इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण में एक अलग से चैप्टर ही कर रखा है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बिहार की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव। अब इसमें जो काम की चीज़ें हैं, आपके काम की चीज़ें, मैं वह बताते चल रहा हूँ। अब आप यहाँ से देखोगे इन्होंने प्रभाव को किस तरीके से वर्गीकृत किया है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन स्तरों में कमी दो कारकों के चलते होगी। पहला कारक इन्होंने क्या बताया है, लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंध जिसमें उत्पादक गतिविधियों पर रोक लगी, और दूसरा विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों और सेवाओं की मांगों में कमी आई। इन दोनों कारकों का नकारात्मक प्रभाव सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं पड़ा। आपने भी देखा होगा कि जो प्रतिबंध थे उसमें सारे क्षेत्र प्रतिबंधित नहीं किए गए थे, कृषि से संबंधित बहुत से कार्यों को छूट प्रदान की गई थी। विभिन्न क्षेत्रों को प्रकृति के आधार पर उनके उत्पादक गतिविधियों पर लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंध और मांग में कमी दोनों लिहाज से निम्न, मध्यम और उच्च नकारात्मक प्रभाव महसूस करने वाले क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी इन्होंने प्रभावों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है, निम्न, मध्यम और उच्च। अब एक इन्होंने मेथोडोलॉजी इसका उपयोग किया, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए जो जरूरी है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि निम्न प्रभाव वाले जो क्षेत्र हैं वो छह क्षेत्र हैं। उन छह क्षेत्र को आप याद कर लेंगे, ये हैं फसलें, पशुधन, वानिकी, काष्ठ उत्पादन, विद्युत, गैस, जल एवं जनोपयोगी सेवाएं, भंडारण और लोक प्रशासन। इसे महसूस करना मुश्किल नहीं है कि पहले तीन क्षेत्रों में लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंध लगभग अनुपस्थित थे, मांग में कमी भी बहुत सीमित थी। शेष तीन क्षेत्रों में लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंध रहे होंगे, लेकिन आवश्यक सेवाओं उपलब्ध कराने के कारण उन पर कोविड-19 के प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। वहीं मध्यम प्रभाव वाले सात क्षेत्रों में मछली मारना, जल कृषि, व्यापार एवं मत्स्य सेवाएं, जल परिवहन, परिवहन सदृश सेवाएं, संचार, प्रसारण संबंधित सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, निवास, स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं तथा अन्य सेवाएं। इनमें से मत्स्य खेत एवं जल कृषि मुख्यतः इसके उत्पादों की मांग में कमी के कारण मध्यम प्रभाव वाला क्षेत्र है। इसके बाद अगर आप उच्च श्रेणी की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो सात क्षेत्र उच्च प्रभाव महसूस करने वाले क्षेत्र थे। उनका नाम क्या है, तो खनन, उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण, सेवा क्षेत्र की बात करें अगर इसमें, तो होटल, जलपान गृह, रेलवे, पथ परिवहन, वायु परिवहन आसानी से गौर किया जा सकता है। इन सभी क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंध कार लगभग सारी उत्पादक गतिविधियों का परित्याग था, चाहे मांग की स्थिति कुछ भी रही हो। ऐसा नहीं है कि रेलवे में यात्रियों की यात्रा करने वालों की संख्या घट गई थी। आपने देखा हो कि लोग पैदल चल रहे थे, लेकिन चूंकि उसको लॉकडाउन के दायरे में रखा गया था इसलिए वो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। अब इसको इन्होंने क्या किया है, एक चार्ट फॉर्म में आपके लिए उपस्थित कराया है नेक्स्ट स्लाइड में।
आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक सेक्टर में भी इन्होंने दो तरीके से, आप जब ड्राफ्ट देखेंगे तो देखेंगे इस चार्ट में कि दो चीजें से वर्गीकृत किया है, लॉकडाउन प्रतिबंधों का प्रभाव और मांग में कमी का प्रभाव। इन दोनों में निम्न स्थिति में कौन से हैं और मध्यम स्थिति में कौन से हैं, उच्च स्थिति में कौन से हैं, इन्होंने एक चार्ट फॉर्म में आपको बताया। तो आप देख सकते हैं कि फसल दोनों ही स्थिति में न्यूनतम प्रभाव रहा, पशुधन पर भी न्यूनतम प्रभाव रहा। जहां तक खनन उत्खनन की बात है तो इसमें लॉकडाउन के भी प्रभाव सबसे ज्यादा पड़े और मांगों में भी सबसे ज्यादा कमी आई। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो विनिर्माण में दोनों के कारण उच्चतम प्रभाव पड़ा, विद्युत गैस जल आपूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं में दोनों के कारण सबसे कम प्रभाव पड़ा। इन्होंने जो आप अंक देख रहे हैं ना 6, 2, 4, तो दो अंक इन्होंने निर्धारित किए हैं जिन पर न्यून असर हुआ है, 6 अंक जिस पर उच्चतम असर हुआ है और मध्यम यानी 4 अंक जिस पर मध्यम असर हुआ है। तो ओवरऑल इन्होंने दोनों ही कारणों से जो प्रभाव है उसको थर्ड वाले कॉलम में दर्शाया है। आप देख सकते हैं कि रेलवे पर सबसे उच्च प्रभाव पड़ा है दोनों ही कारण से, जल परिवहन पे मध्यम प्रभाव पड़ा, वायु परिवहन पे सबसे उच्चतम प्रभाव पड़ा। आपको पता होनी चाहिए कि सारी वायु सेवाएं क्या कर दी गई थी, प्रतिबंधित कर दी गई थी। अच्छा, इसमें भी इन्होंने प्रभाव को समय अवधि में भी बांटा है, यानी कि मार्च से लेकर जून जुलाई तक सर्वाधिक प्रभाव पड़ी अर्थव्यवस्था पर, इसके बाद धीरे धीरे उसके प्रभाव कम होने दिखाई दिए हैं। इसके बाद उन्होंने एक मेथड अडॉप्ट किया है कि किस तरीके से जब हम गणना करेंगे तो कितना माइनस करके अगले साल की गणना करेंगे ताकि हमारी जो गणना हो उसमें कोई किसी भी तरह की दिक्कत उपस्थित ना हो। प्रभावों के साथ साथ बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों, किसानों और बाकी लोगों के लिए किन सुविधाओं की व्यवस्था की, उससे निपटने की रणनीति क्या बनाई, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे श्रमिकों के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए, उन्हें 1000 की राशि उपलब्ध कराई गई, श्रम जो भी बाहर श्रमिक फंसे हुए थे उनके लिए ऑनलाइन डिजिटल मोड में 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। साथ ही साथ जितने भी महिलाएँ बिहार में जो कि गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी में आते हैं यानी BPL श्रेणी में आते हैं, उनके लिए 1000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार कार्यक्रम चलाया गया है, उसकी भी शुरुआत बिहार से की गई। यानी आप इन तथ्यों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि इसका केवल नकारात्मक प्रभाव ही पड़े, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। और चूंकि आप बिहार के विशेष संदर्भ में लिख रहे हैं तो आपको कॉमन सेंस से काम लेना होगा। आप लिख सकते हैं कि गंगा नदी के जल क्या हुआ, स्वच्छ हुआ। एक आप किसी रिपोर्ट का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव की चर्चा की गई हो कि COVID-19 के दौरान जो लॉकडाउन लगा उस पर पर्यावरण के क्या प्रभाव पड़े। आपने देखा भी होगा कि जो प्रश्न पूछा गया था 65वीं BPSC में, उसमें इकोलॉजिकल इफेक्ट टेल लगाकर पूछा गया था। यानी इस तरीके से आप तथ्यों का संग्रह मुख्य परीक्षा के लिए कर सकते हैं। तो ये 66वीं मुख्य परीक्षा को लेकर हमारी पहली कोशिश है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा तो हम कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित बिहार के, यानी बिहार में जो सेक्टर वाइज चीज़ें हैं, आपका स्टार्टअप को लेकर या नई उद्योग नीति को लेकर, कृषि रोड मैप, इनसे संबंधित अलग अलग पार्ट में करके वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आपको इस वीडियो के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।